तो हम कपड़ा सरिया ही रहे थे दोस्तों, और रंगीला ना रोते रोते आया। देखिए क्या कर लिया है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों का हमारा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल सोनम प्रिया ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम रंगीला को स्कूल छोड़ के वापस घर आ गए हैं, और आके ही सारा बेड वगैरह सब झाड़ लिए हैं अच्छी तरह से। देखिए पूरा बेड एकदम झाड़ के एकदम साफ कर दिए हैं, और कंबल भी मोड़ के रख दिए हैं एक साइड, और अभी जा रहे हैं झाड़ू करने के लिए। जल्दी से झाड़ू पोछा सब करेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे, नहा धोवा के नहा धो लेंगे, उसके बाद फिर रंगीला को लेने जाना है, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे, क्योंकि टाइम लग जाता है ना, और उसका जल्दी छुट्टी हो जाता है 12:30 बजे ही। कभी नहाते धोते बाथरूम फिर खाली होगा, सभी कोई नहा रही है तो बाथरूम खाली होगा, उसके बाद ना फिर हम नहाएंगे, तो अभी टाइम लग जाएगा, तो नहाएंगे और रंगीला को लेने के लिए चल जाएंगे, उसके बाद आके फिर खाना बनाएंगे नहा धोवा के। रंगीला के लिए रोटी भुजिया बना दिए थे फटाफट, पूरा एकदम साइकिल खराब हो गया है, रंगीला का रहता ही नहीं है खड़ा, इस टाइम खराब हो गया है पूरा रूम। तो हम झाड़ू कर लिए, अब चलते हैं पोछा करते हैं। देखिए हम पानी लेके आ गए हैं, जल्दी हमको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रंगीला का छुट्टी हो जाएगा, जल्दी से जाना भी पड़ेगा। भैया जाते थे ना तो फिर हमको आसान हो जाता था, खाली पहुंचाते थे उन लोग को और भैया लेके आते थे, लेकिन अब ले आना फिर जाना एकदम हड़बड़ी हो जाता है, पूरा काम बढ़ गया है, फटाफट करना पड़ेगा हमको पोछा। तो हम पूरा रूम पोछा कर लिए दोस्तों, अंदर में सूख गया है हल्का हल्का, और बाहर में थोड़ा सा भींगले हैं, सूख जाएगा ये भी थोड़ा देर में। और इधर देखिए हम पानी गर्म होने के लिए दे दिए हैं, गर्म पानी से ही नहाते हैं आजकल, क्योंकि ना मौसम इतना ज़्यादा खराब होते रहता है ना, कब बारिश कब धूप कब ठंडा पता नहीं चलता है, तो गर्म पानी से ही नहाते हैं, तबीयत खराब जल्दी होते रहता है मेरा, इसलिए गर्म पानी से नहा रहे हैं, हमेशा गर्म ही पानी से नहाते हैं, जब तक ठंडा चालू है ना तब से हम गर्म पानी से ही नहा रहे हैं, और रंगीला का भी गर्म पानी से ही नहा देते हैं। और इधर देखिए हम रंगीला के लिए आलू का भुजिया और घी लगा के रोटी बना दिए थे, तो एक तो लास्ट में बच गया तो यहीं पर छोड़ दिए हैं, तो एक बचा हुआ है, और रंगीला दो डाल लिए और एक तो खा के गया, मतलब वही 4-5 बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, तो वही नहा धोवा के फिर ये लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे दोपहर का। तो चलते हैं फटाफट, अब बरस करते हैं, बरस भी नहीं किए, उसके बाद फिर नहाने चल जाएंगे, उसके बाद फिर लेने जाना है उसको जल्दी से, तो फटाफट करना होगा हमको। तो हम बरस कर लिए दोस्तों, अब चलते हैं जल्दी से नहा के आते हैं। देखिए कपड़ा भी ले लिया, अब चलते हैं, पानी भी गर्म हो गया है, बंद कर दिए हैं, इसको लेके जाना पड़ेगा, फटाफट नहा के आते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम जल्दी से। तो हम नहा धोवा के आ गए दोस्तों, और अभी जा रहे हैं पूजा करने के लिए, मतलब पानी ढालेंगे ऊपर में ना छत, ऊपर में तुलसी पौधा लगा हुआ है तो वहीं पर जल ढालेंगे। तो हम फ्रेंड घर से लोटा लेके आ गए हैं, मेरे पास लोटा नहीं ना है, हम पूजा वूजा यहाँ पर थाली कुछ भी नहीं लेके आए हैं ऐसे लोटा वगैरह, तो फ्रेंड को मांगे तो दे दी, अब चलते हैं जल्दी से पानी ढाल के आते हैं। तो हम जल भर लिए दोस्तों लोटा में, अब चलते हैं जल्दी से लेके, जल्दी से जल ढार के आते हैं, उसके बाद फिर रंगीला को लेने जाएंगे। तो हम छत ऊपर आ गए, अब चलते हैं सूर्य भगवान को जल देते हैं। देखिए यहीं पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है गमला में, तो यहीं पर जल ढारेंगे अभी, उसके बाद फिर चलेंगे नीचे। जल तो हम ढार लिए, अब चलते हैं जल्दी से नीचे। तो हम पूजा कर लिए दोस्तों, अगरबत्ती भी दिखा दिए, अब चलते हैं प्रसाद खाते हैं और निकलेंगे रंगीला को लेने, क्योंकि ना टाइम हो गया है, तो अब चलते हैं दोस्तों रंगीला को लेने। लाइट ऑफ कर रखते हैं। ताला तो लॉक हो गया, अब निकलते हैं जल्दी से। तो हम रूम से निकल गए हैं दोस्तों, कुछ देर ना पहले ही जाना पड़ता है रंगीला को लेने के लिए, मतलब जैसे 12:30 बजे छुट्टी होता है तो वहाँ घर से 12 बजे निकल जाना है, 10 मिनट पहले पहुँच के रहना पड़ता है, नहीं तो ना जैसे ऋषभ रहता था पहले तो उसके साथ में रह जाता था, लेकिन अब अकेले हो जाता है ना तो रोने लगता है ज़्यादा देर होने से, बहुत भागा दौड़ी हो जाता है, ले जाना फिर ले आना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम भी बहन कर देंगे, भैया को बोले हैं तो भैया बोले ठीक है, तो अभी चलते हैं लेके आते हैं। तो रंगीला का छुट्टी हो गया दोस्तों, और अभी निकल गए हम लोग, हम पूरा भागते भागते आए हैं, पूरा दौड़ते दौड़ते,
क्यों तुम ही तो रोने लगता है इसीलिए। चलो फिर भी इसका दोस्त सब था, अभी वहाँ पर बैठा हुआ है। कब आओ, चलो खर्चा ना एक ही हो जाता है, बहन से आए तो बहन का भाड़ा लगता है और इसमें भी मेरा भी भाड़ा लगता है और इसका खर्चा भी होता है खाने का। ठीक है चलो। तो अभी रंगीला दुकान से दोस्तों देखिए क्या खरीदा है, क्या खरीदा है बाबू? चोकोबार है। चॉकलेट वाला बिस्किट है ना, बिस्किट वाला केक है। अच्छा चलो चलो चलो। तो हम लोग रूम पहुंच गए दोस्तों, बहुत भागा दौड़ी हो जाता है, जल्दी से इसका बहन करना पड़ेगा नहीं तो हम तो परेशान हो जाएंगे ले आने और जाने में। रंगीला को भी मन नहीं लगता है, ऋषभ बहन से आता है तो ये भी बोलते रहता है हमको भी बहन चाहिए। अभी देखिए खोल रहा है शूज, सॉक्स खोल रहा है, खोल के और ये सब हाथ पैर धो लेगा उसके बाद खाएगा। ठीक है हाँ गुड। चलते हैं अब, खोल देते हैं इसका ड्रेस। जितना ना मतलब आना जाना हो जाता है और फिर इसका खाना तो डेली जाते हैं तो डेली खरीद देते हैं, 10 रुपया का, 5 रुपया का, 15 रुपया का हो ही जाता है, डेली का हो जाता है और बिना खाए मानता नहीं है, कुछ चाहिए ही इसको। तो सोच रहे हैं भैया को बोल के एकदम बहन करवा ही दे, नहीं तो ये डबल खर्चा करवा देगा। एक ही बात हो जाता है दोनों में, बहन से जाए चाहे इसको हम लेके जाए कुछ नहीं। चलो ड्रेस खोल लो, उसके बाद ड्रेस खोल लो। अब इसका ड्रेस खोल देते हैं जल्दी से। तो रंगीला ड्रेस खोल लिया है दोस्तों और अभी देखिए साइकिल में कैसे घूम रहा है, खराब हुआ साइकिल में। चलो चलो गिर जाएगा कभी भी, वो साइकिल का कोई भरोसा नहीं है, वो अपने गिर जाता है तो तुमको लेके नहीं गिरेगा। हाँ हाँ चलो चलो केक ठो खाएंगे, चलो चलो बिस्किट निकालो। हाँ एक ठो हमको दो, लाओ लाओ लाओ, दो हमको भी दो। आइए इधर आइए, बोलना है इधर आइए, इधर आइए। हाँ फाड़िए जल्दी से, देखिए रंगीला फाड़ लिया है। चलो आधा टुकड़ा हमको दो, चलो दो 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 आधा टुकड़ा हमको दो, थोड़ा सा और। हाँ चलो अब खाओ, खा के देखते। अच्छा अच्छा लगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, खाना पीना बनाते हैं क्योंकि बहुत देर हो गया, दोपहर हो गया। पहले खा लेंगे जो रोटी बचा हुआ है ना वो खा लेंगे, और रंगीला बोल रहा है कि टिफिन में हम दो रोटी डाल दिए थे ना, तो एक ठो रोटी बचा हुआ है तो वो वाला रंगीला खाएगा और हम एक ठो बचा हुआ है वो खाएंगे, उसके बाद खाना बन ही जाएगा तो फिर खाएंगे खाना। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं, चलते हैं। तो हम चावल चढ़ा दिए दोस्तों, चावल डाल भी दिए हैं, बन जाएगा। चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं, जो रोटी है वो रोटी और भुजिया खाएंगे, और हम दूध भी लेके आए हैं तो इसको भी गर्म करना है। और इधर देखिए रात में ही ना चना और मूंग दाल फूलने के लिए दे दिए थे अलग अलग जगह में, तो फूल गया है, खाने का कमी नहीं रहता है, अब खाली खाना है, खाने का टाइम नहीं मिलता है। सुबह आज नहीं मिला, नहीं तो सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं सबका, आज नहाए धोए इसीलिए टाइम चला गया। चलते हैं अभी पहले रोटी सब्जी खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, चावल कब बनेगा तब तक रोटी सब्जी खा के रहेंगे। तो हम रोटी सब्जी निकाल लिए, चलो बाबू खाएगा। हाँ चलो अब खाएगा तो। ठीक लगा? तो खाना बन के रेडी हो गया है दोस्तों, देखिए चावल एकदम गर्मा गर्म और इसमें भुजिया है और इसमें आलू और बैंगन का सब्जी बनाया है। तो फटाफट आप खाना लगाते हैं, बहुत भूख लग रहा है। देखिए आलू और बैंगन का सब्जी बनाया है, क्या एकदम मस्त प्रलट पटा गया है। भुजिया बचा हुआ इसी को ले लेते हैं। तो
मेरा खाना लग चुका है दोस्तों, आलू बैंगन का सब्जी, भात और आलू का भुंजिया। अब चलते हैं खाते हैं। चलो बाबू, चलो 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 खाएंगे। आप इधर आओ, आओ साथ में ही खाएंगे। भूख नहीं लगा है? 1:30 बज गया, भूख नहीं लगा है? नहीं लगा। हम खाने जा रहे हैं। सब एकदम गर्मा गर्म है। तो हम खाना पीना खा लिए दोस्तों, और खाना खा के थोड़ा सा आराम भी कर लिए, और अभी शाम हो चुका है तो बाल वगैरह सब झाड़ लिए हैं। और रंगीला सो के उठा और गया है नीचे खेलने के लिए। बच्चा सब साथ खेल रहा था ना, तो इसको भी मन लग गया, हम भी खेलने जा रहे हैं। अपना गाड़ी लेके गया है खेलने के लिए डंपर। हम चलते हैं, कपड़ा वगैरह कुछ है तो सबको फोल्ड कर देते हैं और रख देते हैं। देखिए एकदम कैसे रखा हुआ, एकदम बिखरा पड़ा हुआ है, तो ये सबको रख देते हैं फोल्ड करके। तब तक रंगीला आएगा खेल के, उसके बाद फिर शाम का खाना पीना बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर टांगा हुआ है पूरा, तो सबको अभी। तो हम कपड़ा सरिया ही रहे थे दोस्तों, और रंगीला ना रोते रोते आया। देखिए खेलने गया था ग्राउंड में और रोते रोते आया है। देखिए क्या कर लिया है, थोड़ा सा आंख फूटने से बच गया। देखिए कहाँ गिरा कि क्या कर रहा था, क्या कर रहा था बाबू, अभी रोते रोते आया अचानक। उसे क्या हो गया? हम कपड़ा फोल्ड ही कर रहे थे, वहां हम ओरिया रहे थे, तो एकदम रोते रोते आया और बोल रहा फुआ फुआ, और रो रहा है। कैसे लगा बाबू? देखिए एकदम पूरा ना आंख के एकदम किनारे लग गया है। देखिए ये भगवान, थोड़ा सा नहीं तो आंख में लग जाता। कैसे गिरा बाबू? छुआ लोग। छुआ लोग कैसे? अब क्या करें, अब हम किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। अब खेलते खेलते गिर गया कि क्या हुआ पता नहीं। अब कैसा कर रहा था, अब पूछते हैं बच्चा सबसे कैसा कर रहा था। उसके बाद फिर इसको पहले बोरोप्लस लगा देते हैं। नहीं 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 नहीं, रुको रुको। तो हम लगा दिए दोस्तों बोरोप्लस इसका घाव में, जहाँ छिलाया वहां पर खाली लगा दिए हैं। देखिए बाप कितना खतरनाक दिख रहा है, इतना जोर से छिलाया है। अभी ढे 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 कर रहा है, ऐसे कहे खेलता है, बांग कर रहा है कि लड़ाई हो गया था। लड़ाई, लड़ाई हो गया था। हाँ। अब क्या हुआ था पता नहीं। क्या कर रहा था बता, क्या कर रहा था बताओ? खेले। कैसे खेल रहा था? बच्चा सब साथ, बच्चा सब साथ खेल रहा था। हाँ। तो कैसे गिर गया? गिर गया कि कोई मारा? मारा। कौन मारा? गिर गया, गिर गया था। देखिए कितना एकदम गिरते पड़ते रहता है हमेशा, खेलने के लिए गया था, चोट लगा के आ गया। अब पूछते हैं जाके बच्चा सबको कैसे खेल रहा था, क्या हो गया पता नहीं, खाली ये रोते रोते आया मेरे पास और अभी जाके चुप हुआ है, बोल रहा है फुआ लागी। तब हम क्या करें, अब लग गया तो अब लड़ाई किया है कि क्या किया है पता नहीं। बदमाशी भी करता है ना ये सब, पूरा एकदम सोसाइटी में ना सब बच्चा ऐसा ही है, एक दूसरे का एकदम छीना झपटी करते रहता है। तो पूछ के आते हैं कैसे एकदम लगा इसको, तब तक यहीं पर रहेगा, हम पूछ के आते हैं। तो हम बच्चा सबसे पूछ के आ गए दोस्तों नीचे, वहां पर ना वो सब खेल रहा है। तो एक ठो बच्चा बताया कि ना ये और ऋषभ एक ठो बॉल के लिए छीना झपटी कर रहा था, पूरा एकदम लड़ रहा था दोनों जन, बोल रहा था ये हमको दो, वो बोल रहा था हमको दो। अब पता नहीं एकदम कैसे लड़ाई हो गया कि का, और दोनों जन शायद गिर गया, ये नीचे हो गया वो ऊपर हो गया, तो ऐसे ही में इसको ज्यादा लगा उसको कम लगा, दोनों जन रो रहा है, वो भी अपना रो रहा है, ये भी रो रहा है। अब लड़ाई नहीं करना ठीक, तुम अपना गाड़ी लेके जाना खेलने के लिए। तुम गाड़ी लेके गया था ना खेलने के लिए? हाँ, तो गाड़ी से खेलना चाहिए ना, बॉल से कहे खेल रहा था, हम ले देंगे बॉल ठीक, बैट और बॉल। हाँ ठीक है, अब से मत खेलना वैसा ठीक, मतलब लड़ाई झगड़ा मत करना ठीक। चलो खाओ, जेम्स खा रहा है अभी, देखिए ठीक है खाओ। हाँ, और अभी चलो पढ़ाई करो ठीक है, होमवर्क मिला है ना, चलो अब। हाँ होमवर्क मिला है, नहीं मिला है बोल रहा है, होमवर्क मिला है, चलो अब होमवर्क बनाओ, उसके बाद फिर हम खाना बनाएंगे ठीक है। इसको थोड़ा सा होमवर्क करा लेते हैं, बहुत देर खेला नहीं तो फिर अभी इसको भी। चलो 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 अब पढ़ाई करो, बहुत खेल लिया तो। सोना नहीं है, खेलना है नहीं है, अब पढ़ाई करना है, चलो पढ़ाई करो।
सोएगा अभी, मार के अभी। चलो निकालो, देखिए क्या मिला है आज। क्या है इसमें? मम्मी पापा का फोटो। इसमें इसमें मम्मी पापा का फोटो मांगा है। अच्छा, और तेरा फोटो? तुम ऐसे ही वाला देना, तुम ऐसे ही मुंह वाला देना, ठीक है? देखिए मेरा आज लग गया है ना। अब चलते हैं, इसका होमवर्क करा देते हैं, उसके बाद हम खाना बनाएंगे। चलो पढ़ाई करो, अब चलो। पढ़ाई नहीं करेगा, मार खाएगा। कि पढ़ाई करने आया है कि यहाँ पर लड़ाई करने आया है, बताओ तो। लड़ाई करने। एक अभी और देंगे, अभी मार खाने का मन कर रहा है ना। चलो अब पढ़ाई करो। तो रंगीला अपना सारा होमवर्क कर लिया दोस्तों, और देखिए अभी कैसे मस्ती कर रहा है साइकिल से। देखिए पीछे बैठ लिया है और चला रहा है। गिरेगा फिर से, नहीं तो फिर से मुंह लाल हो जाएगा। लाल मुनो नहीं होता है, लाल मुनो नहीं होता है। ठीक है, अभी गाड़ी रखो, गाड़ी रखो, गाड़ी रखो, गाड़ी रखो। खा लो, उसके बाद चलाएगा, ठीक है? ये देखिए दोस्तों, मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। इसमें दाल है, इसमें भात है, और ये है सुबह का ही भुजिया है, नहीं बनाए है। आलू और बीन का भुजिया बनाए थे, तो वही वाला बच गया था, तो सोचे काहे फिर एक्स्ट्रा बना दें, तो नहीं बनाया है भुजिया। तो अब चलते हैं, बांटते और खाते हैं हम और रंगीला। कब अब? भूख लगा है, चलते हैं फटाफट बांट के और खाते हैं। हाँ, गाड़ी खड़ा करो, खाएंगे। तो हम लोग खाना पीना खा लिए दोस्तों, और खाना पीना खा के पूरा किचन पूरा साफ कर दिए। देखिए देखिए पूरा गैस वगैरह सब पोछ दिए हैं, यहाँ ऊपर में भी पोछ दिए हैं, और जितना भी बर्तन था सारा बर्तन धो दिए हैं, और पूरा साफ कर दिए हैं किचन। सुबह का काम खत्म हो गया किचन का। तो अब चलते दोस्तों, हम भी आराम करते हैं। रंगीला सो गया, पूरा हम इधर बर्तन धो रहे थे ना, तो सो गया आके। देखिए पूरा सोया हुआ है बेचारा का, लग गया आँख के बगल में ही। अभी फिर से लगा देंगे, थोड़ा सा आराम हो जाएगा, सूख जाएगा। अब चलते हैं, हम भी आराम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल बनाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।